वर्ष 1999 में थयेल हत्यानो भेद पोलीसे उकेली हत्या करनार हत्यारानी पोलीसे धरपकड़ करी हती। सामान्य बोलाचालीनी अदावत राखी पांडेसराना कारखाना में काम करता विपिन मिश्रा ने हत्या करी आरोपी कैलाश प्रसाद भागी छूट्यो हतो। 1999 में भागेल कैलाश शहर नी बहार नाम बदली रहतो हतो, जेनी बातमी पोलीस ने मरता कैलाश झड़पाई जवा पाम्यो छे। 1999 में पांडेसरा पुलिस स्टेशन सूरत में एक मर्डर की FIR दाखिल हुई थी, जिसमें मरण जनार विपिन माधव मिश्रा ये आई सिनेमा के सामने गणेश नगर वड़ोदगाम सूरत में रहते थे और आरोपी जो है उसमें कैलाश प्रसाद उर्फे कालियो ये शांतानगर पांडेसरा का रहने वाला था और मूल रूप से ये दुल्हारा गांव थाना सिरमौर जिला रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला था। ये एक मिल में लेबर सप्लाई का उस समय काम करता था। पहले दिन किसी बात को लेके झगड़ा हुआ था और उसका अगले दिन समाधान हो रहा था, तो जो मरण जनार है वो उस टाइम पे समाधान करवाने गया था। वो एक चाय की लारी चलाता था, उसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं था, बट वो उस बहस में सामने आ गया और वहीं से ही मेल में से एक मशीन का एक पार्ट उठा के उसको मार दिया, तो उसकी डेथ हो गई थी। 1999 से लेकर के अब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा था, तो कई बार पुलिस ने जहाँ जहाँ पे इसकी लोकेशन हो सकती थी वहाँ वहाँ पे कई बार चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। अभी उसको अरेस्ट करने के बाद में पता लगा है कि उसने इस दौरान इलाहाबाद में वापी GIDC में एक दो बार सूरत में भी वो काम करने आया, लेकिन सूरत ज़्यादा दिन रुका नहीं और यहाँ से वो वापस चला गया। पुलिस कंटिन्यू वहाँ जाती रही और कई ह्यूमन इंटेलिजेंस भी वहाँ पे पांडेसरा पुलिस ने डेवलप किए, तो अभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अपने पैतृक गांव में एक मच्छी मार्केट में मच्छी बेचने का काम करता है। तो पुलिस की टीम वहाँ पे 4 दिन तक रही, लगातार उन्होंने मच्छी मार्केट के चक्कर लगाए। तब इन्फॉर्मेशन मिला एक ह्यूमन एंट के द्वारा कि अभी जो आरोपी है वो सूरत के अंदर ही है और उसका एक कॉन्टेक्ट नंबर हमें मिला, तो उसको हमने ट्रेस किया। तो यहाँ एक दूसरी टीम बना के आरोपी को भेजा गया और आरोपी को सूरत से अरेस्ट किया गया। अभी वो पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। आरोपी ने इतने सालों में मोबाइल स्टार्ट किए, उसके बाद ही इसकी गिरफ्तारी की, पहले कभी इसने मोबाइल वगैरह कुछ यूज़ किया? पहले इसने मोबाइल यूज़ नहीं किया। बातमीदार कई सारे बातमीदार वहाँ पे थे, तो जब भी ये गांव जाता था तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी, तो ये इमिडिएटली निकल जाता था, तो पुलिस को सफलता नहीं मिली। टीम ने कई बार वहाँ पे स्टे भी किया है और ये अपनी काम करने की जगह भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद में चेंज कर देता था, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती कि इलाहाबाद गया है, लेकिन उससे पहले ये अपनी दूसरी जगह पे काम करना चालू कर देता था। सूरत में कब से आया था और ये क्या कुछ कर रहा था सूरत में यहाँ पे काम वगैरह पुलिस से बचने के लिए? अभी ये अपना नाम बदल के रिक्शा चलाने का काम कर रहा था, अपना नाम इसने सुभाष रखा हुआ था। कोई डॉक्यूमेंट इससे बरामद नहीं हुआ है उस नाम का, लेकिन बताने के लिए इसने नाम बदल लिया था और रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। इतने सालों बाद पुलिस को सफलता मिली है, कितना बड़ा चैलेंजेस रहा इसको डिटेक्ट करना? केस जितना पुराना होता जाता है उतना उसके डिटेक्शन में पुलिस को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है और उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, तो ये पूरी टीम है, इसका श्रेय इस टीम को जाता है और मैं इनको इनाम उचित इनाम देने के लिए भी माननीय CP सर को सारा डिटेल फॉरवर्ड करूँगा। अगर मोबाइल ये स्टार्ट नहीं करता तो क्या इसको पकड़ना मुमकिन था? पकड़ तो हम लेते ही, थोड़ा हमें और चैलेंज हमारे सामने रहते हैं, पर पकड़ तो लेते।